आईआरएफसी देखिए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पेनी स्टॉक है 19 रुपए 20 रुपए चल रहा है, आप इंटर कर सकते हो, बहुत ज्यादा नीचे अंदर इसके अंदर, बिकॉज इसको पता नहीं क्यों इस स्टॉक को मैं देख रहा हूँ, प्लेनेट भी बेचारे कुछ नहीं कर रहे, वो बोल रहे भाई तू तुझे जो करना है कर ले, सो प्लेनेट्स की बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आ रही इसके अंदर में, इन्वेस्ट किया जा सकता है बट लॉन्ग टर्म नजरिया रख करके, ट्रेडिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, लॉन्ग टर्म नजरिया अगर रखते हैं, अगर 1 से 2 साल का अगर नजरिया रखते हैं तो 1 साल के अंदर में मेरे पास जो इसका टारगेट आ रहा है सर, वो आ रहा है 34-29 रुपए से लेके 32 रुपए के बीच में, और अगर मैं 2 साल में चला जाता हूं, अगर 720 दिन जो आता है मेरे पास में, वो 720 दिन का टारगेट मेरे पास आ रहा है 46 रुपए का, सर रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है, इंटर किया जा सकता है, बहुत ज्यादा सर इसको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और निफ्टी गिर भी जाए यहाँ से, अगर मान लो जैसा मुझे दिख रहा है निफ्टी मतलब और 1000 पॉइंट गिर जाए तो भी ये मुश्किल से हो सकता है शायद 3-4 रुपए नीचे गिरे, उतना तो आपको संभालना पड़ेगा, ठीक है, डाउनसाइड बहुत ही लिमिटेड है क्योंकि ऑलरेडी काफी सर एक कंडीशन होती है ना जहां आप प्लानर भी बोलते हैं यार तुम्हें क्या करो तुम तो ऐसे इतने गिरे पर है और क्या गिरा मारो, तो वो वाली कंडीशन है सर इसके अंदर दिख रही है कहीं ना कहीं, ठीक है, ये वही वाला गरीब आदमी है जिसको के पति जी बता देते हैं कि भाई तेरा शनि भी कुछ नहीं कर सकता जब तेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, तेरा शनि भी कर लिए बिल्कुल सर, ये वो वाली है सर, इंपैक्ट नहीं आ रहा है, प्लैनेट्स का इंपैक्ट नहीं आ रहा है, नंबर जो है इस जगह फेवर कर रहे हैं 19-20 रुपए पर, नंबर जो है इसको फेवर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किसके अंदर एक मजबूती बन रही है, तो ये अपने आप को उसको फंड में संभाल लेगा अपने आप को, बट हाँ लंबा नजरिया रखा जाए इसमें,